तो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दशहरे के ऊपर हिंदी में कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। दशहरा हिंदू धर्म के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात पाप पर पुण्य की विजय। दशहरा पुरातन काल से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के कारण सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं। रामलीला मंचन के द्वारा वास्तविक लोग रामायण के पात्रों और उनके इतिहास को बताते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के 10वें दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे राक्षसों के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे के दिन विशेष मेले आयोजन किए जाते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे का त्यौहार हमें सिखाता है कि अच्छे गुणों की हमेशा जीत होती है। दशहरे के मूल्यों का पालन न केवल हिंदुओं द्वारा किया जाता है, बल्कि देश के अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम, ईसाई और सिखों द्वारा भी किया जाता है। हिंदू इस त्यौहार को अपने लिए बहुत बड़ा मानते हैं। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।